उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में लोन के नाम पर की जा रही ठगी। नगर निगम के पालीवाल हॉल ऑडिटोरियम में लोन दिलाने के नाम पर की जा रही है अवैध वसूली। वहीं पार्षद देश दीपक ने लोन दिलाने के नाम पर चल रहे भ्रष्टाचार का खुलासा किया। पीएम लोन योजना में चल रहे भ्रष्टाचार को खुलासा खोल दिया। नगर की सम्मानित जनता ने भी भ्रष्टाचार हो रहा है बता दिया। और जो कंपनी ऑनलाइन भ्रष्टाचार कर रही थी उसके कर्मचारी ने भी बताया कि भ्रष्टाचार हो रहा है। अब कार्रवाई कौन करेगा इस कंपनी पर या मामले को ठंडे बस्ते में डालकर छोड़ दिया जाएगा? ये क्या करेगा तो आपका फॉर्म जो भर देंगे 1000 रुपये आपके पास आ जाएंगे, लोन भरा जाएगा 500 रुपये महीने। ऐसा है सर कि एक महीने पहले हमसे कहा था कि आपको 10000 रुपये मिलेंगे, आप ऑनलाइन करवाइए, 100 रुपये हमको दीजिए। ये सर कम से कम हो गए इस बात को 25 महीने में, कुछ दिन बाकी हैं। मुझे कई दिन से लगातार सूचना मिल रही थी कि यहाँ जो ऑनलाइन फॉर्म किए जा रहे हैं उन पर किसी से 100 रुपये किसी से 1 से 15 रुपये लिए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ खुद आया 2-3 दिन पहले, मैंने पूछा कितने पैसे ले रहे हो, तो बोला कोई हम शुल्क नहीं ले रहे। तो मैंने उनको फॉर्म भी दिखाया, मैंने फॉर्म पर भी कोई शुल्क नहीं है, लेकिन लगातार मुझे जब शिकायतें मिलने लगी तो कल मैंने अपने लोगों को भेजा, यहाँ 2 लोगों को, जगमोहन यादव पवन यादव को, तो यहाँ इनसे 1 से 15 रुपये की मांग की गई। यहाँ काफ़ी बहसाबाजी हुई इस बात पर कि पैसे किस बात के, यहाँ बहस भी हुई काफ़ी। तो इसलिए फिर हमने कई लोगों से पता किया, तो आज हम इसीलिए यहाँ विरोध करने आए हैं कि 1 से 15 रुपये किस बात के यहाँ लिए जा रहे हैं। ये गरीब फुटकर विक्रेता हैं और 10000 रुपये के नाम पर 100 रुपये 1 से 15 रुपये यहाँ काट रहे हैं, बाकी जात प्रमाण पत्र के नाम पर नगर निगम के द्वारा काट रहे हैं। लेकिन वो ठीक है, नगर निगम के यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन ये CLC जो कंपनी कर रही है गलत कर रही है। हम जिलाधिकारी महोदय जी से मांग करते हैं कि इस पर पार्षदों की जाँच कमेटी बना दें, जिससे हम पूरा उनको सच ला के दिखा देंगे कि उन्होंने कितने 1 लाख रुपये का गबन किया है।